टू ऑल दी व्यूवर्स ऑफ बब्बन टॉप कलबुर्गी न्यूज़, ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में एक बैतुल माल, इंडियन बैतुल माल द्वारा एक अच्छा स्टेप लिया गया है। जो भी सीवियर डायबिटिक पेशेंट है, बीपी है या हार्ट इश्यूज है, उनके लिए फ्री में 3 जगह इंतज़ाम किया गया है। एक एवंशाई है, एक एमएस के मिल है, एक हागर का क्रॉस है। इसके डिटेल्स मैं नीचे दे दूंगा। और जो भी ज़रूरतमंद है, गरीब है, उनके लिए है, जो जिसके पास पैसा है, प्लीज़ वहाँ मत जाइए। जो गरीब है उसका अपना, उसका हक है, वो उसको लेने दो। वैसे भी जो गरीब है, जो मिडिल लोअर मिडिल क्लास है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि वो खुल के मांग नहीं सकता, इसलिए भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। अश्विनी मेडिकल है, वो अश्विनी मेडिकल वाले जिनको भी सीवियर डिसीजे से प्रॉब्लम है, उनको जो है ना, इनको कोई भी कॉल कर सकते हैं, इनको घर तक पहुंचा रहे हैं वो लोग। आपको जो जो भी टैबलेट चाहिए या इंजेक्शन चाहिए, आपको घर तक फ्री डिलीवरी वो लोग दे रहे हैं। और ये दूरियां कम हो रही थी, वो दूरियों को जो है ना आप बढ़ा रहे हैं ऐसे करके। ये कोई रिलीजन देख के नहीं आता है कोरोना वायरस। तो ये मरकज़ का जो है, ये डिस्कशन अभी बंद करो। दूसरे डिस्कशंस, इनोवेटिव क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करो। कैसे लोगों को हम बचा सकते हैं, कैसे जो है ना हमारे जो टेस्टिंग किट्स है, और इंडिया में और एक चीज़ है कि टेस्टिंग नहीं हुआ इसलिए केसेस अभी तक बाहर नहीं आए पूरी तरीके से। जो भी साउथ कोरिया है या चाइना है, वो लोग इसलिए जल्दी कंट्रोल करे, अभी वुहान आज नॉर्मल है, आज कंडीशन वहाँ इसलिए क्योंकि टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हुआ या नहीं हुआ। और टेस्टिंग के लिए सस्ता टेस्टिंग भी अभी आ रहा है, पेपर बेस्ड रहेगा वो टेस्टिंग, 500 रुपये में रहेगा ऐसा करके इनिशियली बोला गया था। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है कि फ्री होगा, प्राइवेट हो या उसमें गवर्नमेंट द्वारा हो, फ्री टेस्टिंग होगा। तो अपना से अगर अपने को थोड़े सिम्टम्स दिखे, अभी तो अब 2 महीने से आप भी न्यूज़ देख रहे हैं, सर्दी है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ़ है, आप खुद से जाओ हॉस्पिटल, जाके अपना टेस्ट कराओ। टेस्ट कराने के बाद अपने आप को क्वारंटाइन करो, अपने आप को आइसोलेट करो, तो लोगों की, अपने घर वालों की मदद होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और जितने भी लोग हैं जो अपने आसपास है, सरकार मदद करे ना करे, या कोई बड़ा आदमी करे ना करे, अपने आस पड़ोस में आप खुद से उनकी मदद करने की कोशिश करो, बिना कोई धर्म जात देखे हुए। तो ज़्यादा इंसानियत के ऊपर ज़्यादा फोकस करके एक दूसरे को मदद करो। थैंक यू सो मच।